हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील, आप सभी का सुनील एग्जाम 100 चैनल में स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ग्राफी विधि से हल करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कक्षा एक्स के मतलब 10वीं क्लास के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अब उसमें कंडीशंस है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक हो, चार अधिक प्रतियोगिता में भाग लिए, तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो क्या किया गया है, माना गणित की पहली प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। प्रश्नानुसार 10 लड़के एवं लड़कियां मिक्स करके भाग लिए। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, चार अधिक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आपको हल करना है। सेमीकोलन फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, तो एक्स इक्वल टू 10 माइनस वाई, ये वैल्यू उस पार गई तो माइनस के फॉर्म में हो गया। अब क्या करेंगे आप, एक्स और वाई की वैल्यू डबल कंडीशंस में निकाल लीजिए, एक्स और वाई। वाई की रिस्पेक्ट में वाई इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10 बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, वाई इक्वल टू 7। वाई इक्वल टू 7 लेने पर 10 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3। तो वाई इक्वल टू 10 7 लेने पर एक्स की वैल्यू 3 आई। जब वाई की वैल्यू 8 लेंगे, 8 भी ज्यादा होगा, 6 लेंगे, 6 लेंगे तो 10 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4। ये फर्स्ट कंडीशन से निकल गया। मिनिमम 2 लेंगे, आप मैक्सिमम से जितना चाहे उतना ले सकते हैं। इक्वेशन सेकेंड, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो वाई इक्वल टू 4 प्लस एक्स। एक्स और वाई, एक्स और वाई। अब क्या करेंगे आप, इसको वाई इक्वल टू 4 वाई की रिस्पेक्ट में है तो आप एक्स की वैल्यू लीजिए। एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, एक्स की वैल्यू 0 लीजिए। एक्स की वैल्यू 0 लेने पर वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और एक्स इक्वल टू माइनस 2, तो वाई इक्वल टू प्लस 2, क्योंकि 4 और इसको प्लस करेंगे 0 के साथ तो 4 आएगा, और इसको जब माइनस करेंगे 4 के साथ 2 के साथ तो 2 आएगा। अब क्या करना है, इसको ग्राफ बनाना है आपको। ग्राफ बनाने के लिए आपको एक्सिस पता होना चाहिए, जिसमें चार चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट्स होते हैं। प्रथम क्वाड्रेंट्स में प्लस होता है एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट्स में माइनस प्लस, और थर्ड क्वाड्रेंट्स में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, प्लस और माइनस। 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम वैल्यू 7 है, 7 तक हमने ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस रिस्पेक्ट में सारे वैल्यू माइनस में होती है, इसमें माइनस में, और ये प्लस में, और ये भी प्लस में। 1 2 3 4 5 6 7, और इसके सेंटर पॉइंट्स जो मूल बिंदु होते हैं वो 0 0 होते हैं। फर्स्ट कंडीशन में दे रखा है एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू 7, तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई इक्वल टू 7। इस कंडीशन में ये इस पॉइंट पे बनेगा 3 और 7। फिर सेकेंड दे रखा है 4 और 6, 4 ये है और 6 आपका ये रहा, ये इस टाइप से इस पॉइंट पे बनेगा, और ये इस पॉइंट पे बना है 4 और 6। अब क्या करना है आपको, इस दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, तो स्केल से आपको इस टाइप से ड्रॉ कर लेना है, और इसका इक्वेशंस ड्रॉ कर लेना है आपको। एक्स प्लस
वाई इक्वल टू 10। अब सेकेंड पॉइंट दे रखा है 0 और 4 के रिस्पेक्ट में, किस रिस्पेक्ट में दिया है 0 और 4। सेकेंड इक्वेशंस भी आपको ड्रॉ करना है इसी पे, x की 0 और y की वैल्यू 4 है, तो x की 0 सेंटर पॉइंट से है और y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू 4 गो इस पॉइंट पे बनेगा, प्लस के फॉर्म में है तो प्लस के फॉर्म में बनेगी, और माइनस टू और प्लस टू, माइनस टू इस पॉइंट पे है और प्लस टू इस पॉइंट पे है, ये इस टाइप से ये पॉइंट्स बना और ये पॉइंट्स, ये 0 और 4 का है और ये आपका 2 और माइनस टू का है। फिर क्या करेंगे, स्केल से आप इस पॉइंट को आपस में दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, इस टाइप से इस दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे आप। ये इक्वेशंस किसका है उसका लिख लीजिएगा, y माइनस x इक्वल टू 4। इस टाइप से आप इस क्वेश्चंस को अटेंड करना है और नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगे, तो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इसके बगल में बेल आइकन का बटन रहता है उसको जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।